जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ग्लोब टेक चार्जेस इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का इसके ऊपर वीडियो बनाने को लेकर सवाल आ रहे थे और इस चैनल पर काफी दिन भी हो गए हैं इस स्टॉक को डिस्कस किए हुए, तो इसको भी डिस्कशन करना जरूरी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का यह प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल सेक्टर का जो भी स्टॉक्स होता है उसको समय से ऊपर हम डिस्कशन करते रहते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है हमारे देश में। तो चलिए समझते हैं इस कंपनी का। अभी अभी आपको पता होगा कि राइट इशू भी आने वाला है, राइट इशू को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से स्टॉक कैसे लंबी अवधि में जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग राइट इशू का। राइट इशू जिस कंपनी का आने वाला है ना, देखिए 9 जनवरी को मीटिंग हुआ था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके बाद से अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है राइट इशू को लेकर। मैंने एनएससी के पूरा वेबसाइट पूरा डाटा छान माना, कहीं कहीं भी मुझको ये जो मीटिंग हुआ था ये तो अपडेट मिला है, लेकिन जो राइट इशू आने वाला है वो मतलब किस रेशियो में आने वाला है, कब से ये इशू ओपन होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इवन जब आप गूगल पर भी देखेंगे तो गूगल पर भी यहाँ पे स्पष्ट आपको यही देखने को मिलेगा कि 9 जनवरी को सिर्फ मीटिंग हुआ था और इसमें किस रेशियो में इक्विटी शेयर्स को जारी करना राइट इशू में या कब से ये इशू ओपन हो रहा है इसका भी कोई अपडेट अभी तक नहीं है। तो जैसे राइट इशू के लिए नया अपडेट निकल कर सामने आएगा कि राइट इशू का कब से ये इशू ओपन होने जा रहा है, किस रेशियो में ओपन होगा, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करूँगा राइट इशू को लेकर। अभी फिलहाल इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है। हालांकि एक चीज़ का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो राइट इशू आने वाला है उसका जो इशू साइज होगा, हर राइट इशू का इशू साइज होता है कितने करोड़ का कंपनी फंड रेज करने जा रहा है राइट इशू के जरिए, तो वो 35 करोड़ से लेकर तकरीबन 50 करोड़ के बीच में रह सकता है, इतना बड़ा साइज का राइट इशू आ सकता है। तो आएगा, जैसे आएगा जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर जरूर अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं है राइट इशू को लेकर। तो हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं कि ये कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। देखिए काम के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये कंपनी टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसमें ये ट्रेडिंग की तरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी टेक्सटाइल्स से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कपड़े बनाती है उसको ये खरीद फरोख्त भी करती है, उससे इस कंपनी की कमाई होता है। और टेक्सटाइल्स का जो इंडस्ट्री है काफ़ी बूम करने वाला है भारत में आने वाले समय में, तो इस लिहाज से जो कंपनियाँ टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करती हैं उसमें हमें समझना चाहिए, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है गवर्नमेंट उसका भी काफ़ी फोकस रहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, और सरकार उसके लिए अनुदान भी देती है, कोशिश करती है कि टेक्सटाइल को भारत में पूरे विश्व में नंबर वन बनाया जाए। देखिए ये तो काम की बात हो गई, यदि फंडामेंटल समझे तकरीबन 60 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, छोटी कंपनी है, पी भी काफ़ी कम है, पी के हिसाब से वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ठीक ठाक मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो बुक वैल्यू है तकरीबन 3.79 के आसपास है, इससे ज़्यादा है कंपनी का शेयर प्राइस, ये बढ़िया बात है, शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है यह भी आपको ठीक है, यानी कि एक तो सामान्यतः जो आरओई होता है पेनी स्टॉक में वो माइनस में होता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर आपको तकरीबन 8-9% के आसपास ही, काफ़ी बढ़िया बात है। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, दोनों काफ़ी हमें उम्मीद से बेहतर नजर आए। अब चलिए हम लोग टेक्निकल को समझते हैं, टेक्निकल डाटा क्या बोलता है, और उसके बाद समझेंगे कि नए व्यक्ति को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके पास पहले से वो क्या करेगा। देखिए अभी ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा 4.5 रुपये से लेकर 4 रुपये के लेवल के बीच। अब देखिए जिसके पास पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें अभी कुछ नहीं करना, डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 4 रुपये के नीचे ये स्टॉक अभी आने के लिए, देखिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे आकर ट्रेड करने लगेगा, नीचे आएगा थोड़ा सा सपोर्ट के पास है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेसमेंट मारेगा फिर ऊपर उठेगा। 90% से ज्यादा चांस होता है जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो तो उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है, हम लोगों ने पहले कई बार तमाम स्टॉक्स में ऐसा देखा है। तो ये जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले तो इजिली ये आएगा इस लेवल के आसपास जो कि 6 रुपये के लेवल के आसपास है, 6 रुपये के लेवल तक लिए आप शॉर्ट टर्म में इसमें जा सकते हैं। नए व्यक्ति क्या करेंगे, जब जैसे इस ये जो रेजिस्टेंस इससे ऊपर निकलने लगे तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिएगा 4.5 रुपये के करीब, जो अभी फ्रेश बाई करना चाहते हैं 4.5 रुपये, थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ उठाएगा तो लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और 4.5 रुपये से लेकर 6 रुपये तक इजिली आप बहुत शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं इस प्राइस के लिए, और लंबी अवधि में तो खैर लंबा इसमें पैसा बनेगा ही। तो ये ही है इसमें शॉर्ट टर्म में क्या करना है, जो नए व्यक्ति हैं और जो पुराने व्यक्ति हैं उनके लिए मैंने इसमें यह अपडेट दे दिया। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को समझते हैं कि कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। देखिए अभी तो दिसंबर क्वार्टर के यानी Q3 के रिजल्ट नहीं आए हैं, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ सितंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट इसमें अपडेटेड है। सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का सेल्स हुआ था वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो Q1 का रिजल्ट आया था थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, जिस वजह से इसमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे हालांकि बढ़ते हुए दिखा था सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में, और पिछले कुछ समय से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, वहीं पे नेट प्रॉफिट की यदि बात करें जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है इसलिए नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये थोड़ा सा आपको जरूर डिक्लाइन होते हुए दिखा था
सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में, क्योंकि सेल्स यहाँ पे कम हुआ था। हालांकि ओवरऑल देखें तो अभी भी जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले कुछ समय से बेहतर ही हो रहा है, और जैसे मैंने बताया क्वार्टर थ्री के नंबर अभी आने वाले हैं, तो आप प्लीज वेट कीजिए, क्वार्टर थ्री के नंबर जैसे आएंगे उसमें आपको कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेगा, और ये दोनों जैसे इंक्रीज होगा तो कंपनी का फंडामेंटल भी इसके साथ साथ इंक्रीज होगा। तो यदि ओवरऑल बात करें तो ग्लोब टेक्सटाइल्स एक बढ़िया कंपनी है जिस सेक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्री भी बढ़िया है और साथ साथ कंपनी का जो टेक्निकल और जो फंडामेंटल है वो भी काफी बढ़िया है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पहले से यदि इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप इसमें बने रहें, लंबी अवधि के लिए निवेशक बनिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। और इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।